अफजलगढ़ में पवन हंस कंपनी का हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी आने के चलते खेतों में उतारना पड़ा। जानकारी के अनुसार अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव भिक्कावाला मीरपुर मार्ग पर उस समय लोगों की भीड़ जुट गई जब एक हेलीकॉप्टर को खेतों में उतरते देखा गया। सूचना पर एसआई अनोखे लाल ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। जानकारी पर पता चला कि हेलीकॉप्टर जो देहरादून से हल्द्वानी जा रहा था, जिसे पायलट कैप्टन राजकुमार यादव चला रहे थे, दूसरे सह पायलट कैप्टन रत्नेश सिंह व एक पैसेंजर अरुण कुमार सिंह ब्यूरो ऑफ सिविल डिफेंस डायरेक्टर देहरादून, यह तीनों लोग हेलीकॉप्टर में मौजूद थे ताकि रेड सिग्नल मिलने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग के लिए भिक्कावाला मीरपुर मार्ग पर मीरापुर तिराहे के करीब 4 किलोमीटर आगे स्थानीय निवासी नागेंद्र सिंह के खाली खेत में की गई। हेलीकॉप्टर उतरने की सूचना पर दौड़ी जनता को कौतूहल का विषय रहा। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। सर आपका नाम? जी मेरा नाम कैप्टन रत्नेश सिंह है। हमारे साथ कैप्टन अजय यादव हैं। हम लोग पवन हंस हैं। ये पवन हंस का हेलीकॉप्टर उत्तराखंड की नागरिकों की सेवा में चलता है जो देहरादून से हल्द्वानी जा रहा था, और हमारे हेलीकॉप्टर में एक वार्निंग लाइट आई जो एक तरह की एक आपातकालीन स्थिति है। तो इसमें हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के एक्शन को फॉलो करते हुए हमने यहाँ ओपन ग्राउंड को सेलेक्ट किया और सेफली जहाज को उतारा। और हमारे साथ एक पैसेंजर हैं जो इंसिडेंटली डीजीसीए के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये भी आपको बताएंगे कि जहाज एकदम सुरक्षित उतरा है। जहाज और सारे इसके ऑक्यूपेंट्स एकदम सेफ एंड साउंड हैं। और तुरंत ही मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ आ गई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से पुलिस व्यवस्था तुरंत उपलब्ध हो गई और हमारे यहाँ के नागरिक जो हैं, जो इस खेत के मालिक हैं, उन्होंने तुरंत सूचना दी और पुलिस तुरंत मुस्तैदी से आ गई और सारे क्राउड को कंट्रोल किया उन्होंने बहुत अच्छे से। और इस समय हमने अपनी कंपनी को सूचना दे दी है और रेक्टिफिकेशन पार्टी आ रही है, जहाज का पूरी अच्छी तरीके से जांच होगी और स्टैंडर्ड एक्शन लिया जाएगा। आप हमारे पैसेंजर से भी पूछ सकते हैं। ये प्राइवेट है? ये गवर्नमेंट का है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कॉमन एंस कंपनी का है।